नमस्ते, मेरा नाम दोयल है। मैं एक क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड IVF लैब डायरेक्टर हूँ। बहुत तो ये तो खैर बहुत मतलब मुझे लगता है कि सबको इस चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए, खासकर कि जो मेरी जनरेशन का जो यूथ है उसको बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मैं तो बहुत जल्दी इस चीज़ को प्लान करना चाहूंगी क्योंकि मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं, लेकिन एक चीज़ डिसाइड है, एम्प्लॉय बेनिफिट ले सकते हो इसका। यू नो गूगल एप्पल जो है सैन फ्रांसिस्को में, एप्पल आई थिंक 5 ईयर्स या 7 ईयर्स पहले वो अपने एम्प्लॉयज को, फीमेल एम्प्लॉयज को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए फुल पेड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के साइकिल्स देती हैं। तो ये चीज इतनी पहले से अवेयर है। US वगैरह में तो बहुत ही कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स ही ये देते हैं, तो मे बी हम भी अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड रेट पे कर देंगे। नहीं तो बिल्कुल, अगर मेरी एज को लेकर या मेरी एज के जो आज का यूथ अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बिल्कुल इस चीज के लिए कहना चाहूंगी कि अवेयरनेस जरूरी है, मतलब इन चीजों के लिए, क्योंकि एक चीज तो तय है कि शादी भी होनी है और फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बेबी भी प्लान कर। तो बेटा है, बेबी प्लान करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये एग्जैक्टली। अच्छा मैम, जैसे आपने हमारे लिए चीज बताई, फीमेल के लिए चीजें होती है, आपने मेल का भी बताया, तो जो दोनों की प्रोसेस है उसमें डिफरेंस होता है मतलब? हाँ, डिफरेंस होता है। मेल के लिए तो बहुत सिंपल है, मेल के लिए तो स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन या स्पर्म फ्रीजिंग जिसे कहते हैं, वो एक बार सैंपल देंगे, 2 से 3 दिन का एब्सटिनेंस मेंटेन करते हुए आप सैंपल दीजिए, उसको 2 से 3 वायल में डिवाइड करके क्रायो प्रोटेक्टेंट करके एक चीज होती है उसको ऐड करके एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करके फिर उनको वापस वही लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक्स में रख दिया जाता है। तो ओनली थिंग इज द प्रोसीजर इज मच सिंपलर एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव उनके लिए, तो इट वुड हार्डली कॉस्ट देम 5 to 10,000। हाँ, बिकॉज इट इज एज सिंपल ना, उन्हें कोई एक्स्ट्रा दवाई लेनी है ना कुछ लेना है। येस, बट द वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल इज दैट ये अल्कोहल और टोबैको एज वेल एज ड्रग्स, जो भी रिक्रिएशनल ड्रग्स या सिगरेट का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है स्पर्म की हेल्थ, उसकी मोटिलिटी वगैरह पे। इन केस अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, तो ऐसे केस में आई वुड एडवाइस कि आप एटलीस्ट कुछ मंथ्स के लिए, एटलीस्ट एक आप हमेशा के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल भले ना फॉलो कर पाओ, कम से कम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का स्टेप लेने से पहले आप कुछ मंथ्स के लिए इस स्टेप को यू नो अवॉइड रेगुलर स्मोकिंग, अवॉइड रिक्रिएशनल ड्रग्स एंड अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन ऑन अ यू नो रेगुलर बेसिस। तो उससे आपके एटलीस्ट जो आप गैमेट्स फ्रीज कर रहे हैं, और ये एज अवॉइड का मतलब ये नहीं कि 2 दिन के लिए अवॉइड किया और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हो गया, ये पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है 2 to 3 months के लिए आप ये अवॉइड करेंगे तो इट इज बेटर फॉर यू। ओके, और हमारे लिए फीमेल्स के लिए भी कुछ ऐसा डाइट का कुछ प्लान्स होता है पहले का कि फ्रीजिंग करवाने से पहले? सिंपल सा लॉजिक है कि यू आर व्हाट यू ईट। बॉडी का एक एक सेल वही है, एक क्या है, एक सेल ही है। तो आप जो भी ये मैं मेरे टर्म्स पे कुकर्म करें अपने शरीर के साथ इन टर्म्स ऑफ ईटिंग या नॉट स्लीपिंग वेल, लेट लेट नाइट तक स्क्रोल करते जाना, नींद पूरी ना करना, ये सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सेल्यूलर लेवल पे पड़ता है। सो इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। तो वेट, प्रॉपर बॉडी वेट, हेल्दी डाइट, ये सबका मतलब हर सेल पे असर पड़ता है। लोग स्किन के लिए, बाल के लिए सोचते हैं, आप तो एग्स की बात कर रहे हो जिससे आपका फ्यूचर का जेनरेशन पैदा होगा। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अच्छा खाएं पिए। पूरे इंटरनेट में एक टाइप करो, 10,000 चीजें मिल जाएंगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना तो तुम अपनी मम्मी को भी पूछोगे तो बता देंगी। जस्ट ट्राई एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ट्राई एंड हैव स्लीप, प्रॉपर स्लीप लीजिए एंड बॉडी वेट मेंटेन करिए। बहुत ज़्यादा वेट से, मतलब ज़्यादा वेट होने से बहुत फर्क पड़ जाता है एग्स की क्वालिटी को, सीधे सीधे फर्क पड़ता है। सो दैट इज ऑल दैट आई नीड टू से। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए और इतने अच्छे से ये बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है हमारी फ्यूचर को सिक्योर करना इस एज में आने के बाद। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यान रखिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है।